अस्सलाम वालेकुम। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक जो है उसका डिटेल लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसका पोर्शन आता है और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी इसको एज अ कोर्स पढ़ाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स देख लेते हैं कि बुक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बुक का एक ब्रीफ ओवरव्यू है उसमें कि ये बुक बेसिकली किन चीज़ों के बारे में है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किन स्टेप्स के थ्रू जो हुई है पाकिस्तान में। फिर एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान, ये एक मिथ है कि पाकिस्तान जो है कोई फ्यूडल स्टेट है, ठीक है। तो हम देखेंगे बहुत सारे जो इसमें फैक्ट्स और फिगर्स के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे क्या ये मिथ जो है वो ठीक है या नहीं है, इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई पाकिस्तान में, ठीक है, 1960s में आई थी ये, ठीक है, और इसमें बेसिकली जो यील्ड वैरायटीज थी उन पे फोकस किया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स बेहतर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और ट्यूब वेल्स वगैरह और इरिगेशन सिस्टम को बेहतर करने की बात की थी। तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेचर और डायरेक्शन ऑफ एग्रीरियन चेंजेस जो आएंगी पाकिस्तान में, ठीक है, फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस, उनको हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि टुडे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं कि उसका जो जीडीपी का पोर्शन है वो डे बाय डे डिक्लाइन होता जा रहा है, तो हम उसके क्रिटिकल इश्यूज को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंडस्ट्री के बारे में है, इंडस्ट्री और ट्रेड, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम जो है वो दो टाइम पीरियड में डिवाइड करके देखेंगे, एक 1947 से 77 तक और दूसरा आएगा 1977 से 2013 तक, ठीक है। फिर की इश्यूज जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो देखेंगे हम, शॉर्टेज है एनर्जी की, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है और जो लेबर है वो अनस्किल्ड है, ठीक है, ये सारे इश्यूज जो हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट है और ट्रेड रिजीम्स देखेंगे इसमें। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो फिस्कल पॉलिसी का है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन देखेंगे उसमें और स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन जो है वो अभी जो है वर्किंग में है। उसके बाद डेट और डेफिसिट्स को देखेंगे, डिवेल्यूएशन ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म देखेंगे इसमें, लोकल गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसकी डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी से चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी को वो सेंट्रलाइजेशन होती है अगर अथॉरिटी जो है वो एक सेंट्रल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और डिसेंट्रलाइज कर दी गई थी। फिर फिस्कल फेडरलिज्म देखेंगे इन पाकिस्तान, इमर्जिंग उसके इमर्जिंग डायनेमिक्स देखेंगे, इश्यूज देखेंगे और उसके क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो सब एनालाइज करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स को देखेंगे, फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट्स की क्या सिचुएशन है करंटली और इनका बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ हम एनालाइज करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे, सेविंग का क्या जो है वो स्ट्रक्चर है अभी, और इन्फ्लेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, उसके पीछे क्या क्या सिनेरियोज हैं और वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यू लिबरलिज्म की बात करेंगे, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म होता है जैसे कि, तो उसमें स्टेबलाइजेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इसमें सारे आएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है इन्हांस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी से जो पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी पेपर आए थे, फिर उसके बाद हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स की तरफ आए थे, ये सारे 1988 से स्टार्ट करेंगे और फिर प्रेजेंट डेट तक जो है वो 2014 तक ये बुक जो है वो कैप्चर कर रही है डाटा को, और हम साथ साथ ट्राई करेंगे कि लेटेस्ट जो डाटा है वो भी इसमें आपके साथ शेयर किया जाए। फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो हैं उनको देखेंगे, इसमें कंपोजिशन देखेंगे, उनके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं इकॉनमी के ऊपर वो देखेंगे, IMF और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो हैं इनके लिंकेज देखेंगे पाकिस्तान में, उनकी वर्किंग देखेंगे, उनकी एफिशिएंसीज और उनके इम्पैक्ट्स जो हैं वो, उनका स्पिल ओवर जो इफेक्ट आ रहा है इकॉनमी के ऊपर वो एनालाइज करेंगे। फिर मैक्रो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट्स जो हैं 1998 से 2013 तक उनको डीपली एग्जामिन करेंगे। सोशल सेक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस का चैप्टर होगा, उसमें द सोशल सेक्टर
जो है वन जो आएगा उसमें इंटरनेशनल कंपैरिजंस देखेंगे हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ, एजुकेशन को देखेंगे, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, क्योंकि ये सारे जो है वो मॉडर्नाइजेशन के टूल्स हैं, तो इन सबको हम उसमें गैदर करेंगे। फिर सोशल सेक्टर टू जो है उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जेंडर, इन्वायरमेंट, एनजीओज, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ जाएंगी। सोशल सेक्टर थ्री जो आएगा उसमें हेल्थ सेक्टर को देखेंगे, हेल्थ पॉवर्टी को देखेंगे और इन दोनों का आपस में नेक्सस चेक करेंगे। पावर्टी एंड इनइक्वालिटी की बात करेंगे, देखेंगे पावर्टी के क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कॉजेस क्या हैं और फिर उनके फर्दर सॉल्यूशंस क्या हैं, रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि पावर्टी को रिड्यूस किया जा सके। रीजनल और इनकम इनइक्वालिटीज, इनकम डिस्पैरिटीज जो हैं एक कंट्री के अंदर, उनको किस तरह से, उनके पीछे मतलब क्या कॉजेस क्या हैं उनके और उनका पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो भी देखेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को देखेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नेबरली रिलेशंस देखेंगे हम, ठीक है, वॉर देखेंगे, डिस्ट्रक्शंस देखेंगे, एड जो मिल रही है हमें, ठीक है, वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एड जो हमें मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में हम क्लास देखेंगे, स्टेट देखेंगे, पावर, ट्रांजिशन और फिर न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है बुक का ये ओवरऑल एक ग्लिम्स है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि बुक में हम ओवरऑल क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है 1947 से टिल 2014 तक, ठीक है। फिर कंट्री ने इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बेशक वो पॉलिटिकल हिसाब से हों, बेशक इन्वायरमेंटल हों, बेशक सोशल हों, बेशक इकोनॉमिकल हों, ठीक है, वो बहुत सारे अप्स एंड डाउन से इकॉनमी जो है वो गुजरी है। 1960s में अगर देखा जाए तो ग्रोथ और ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। उस टाइम पे जो 5 ईयर प्लान आया था उसके अगर जो उसके जो टारगेट्स थे हमने ऑलमोस्ट उनको तकरीबन फुली अचीव किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम उस ग्रोथ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके, तो हम सारी रीजंस देखेंगे कि क्यों हम कामयाब नहीं हो सके। फिर 1970s और एंड ऑफ 1980s में, ठीक है, फिर एक दफ़ा पीक आया था, ग्रोथ जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई पैटर्न में गई थी। फिर उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट था वो ऑलमोस्ट 6% था। ड्यू टू पेरिटोनियन इलेक्टोरल चार्ज जो था 1988 में, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फिर से डिक्रीज हो गई, ठीक है, क्योंकि एकदम से जब मिलिट्री रिजीम्स आईं उसमें जो हमने देखा कि ग्रोथ का पैटर्न जो था वो बहुत ज़्यादा हाई रहा, ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ रही इकोनॉमी के अंदर। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि जब डेमोक्रेटिक रिजीम्स आई हैं कंट्री के अंदर तो उसमें ग्रोथ के पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, इंडिकेटर्स उसमें अच्छे उन्होंने ग्रोथ नहीं की। फिर उसकी अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो जो है कंपैरिजन होगा साउथ कोरिया के साथ, ताइवान के साथ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है, जहाँ पे अथॉरिटेरियन स्टेट्स जो हैं वो उनके परफॉर्म कर रही हैं। पाकिस्तान में एट द टाइम ऑफ मिलिट्री लेड गवर्नमेंट 2002 से अगर 2007 की बात की जाए तो ग्रोथ रेट जो था वो बहुत अच्छा था, 7% था। जैसे अयूब खान का इराक की बात करें या जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करें या जियाउल हक की बात करें, परवेज मुशर्रफ की बात करें, एंड एट द टाइम ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, 2008 से अगर 13 में देखें तो उस टाइम पे ग्रोथ रेट जो था वो सिर्फ 3% था, यानी हाफ से भी कम था। तो क्या हम देखेंगे कि क्या हम सिर्फ इन मेजर्स को देखने से हम क्या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम गैस कर सकते हैं कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छी हैं या फिर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो बेहतर नहीं है, ठीक है। क्या सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स को देख के हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर एक क्लियर पिक्चर जो है वो हम बता सकते हैं या नहीं। पीरियड आफ्टर 1988 जो है वो उसमें बहुत सारी चेंजेस लेके आया, ठीक है, इफेक्टिव थिंकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, मार्केट ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसमें हमने जो है देखा कि मार्केट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा पॉलिसीज आई, ठीक है। फिर 1960s में जो था मेजर फोकस जो था इकोनॉमी का या ग्रोथ का वो ग्रोथ था सिर्फ,
ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडिकेटर्स की बात होती थी उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी को या डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा लिटिल कंसर्न पे रखा जाता था उस टाइम पे. इट वॉज अज्यूम दैट ग्रोथ ट्रिकल डाउन फ्रॉम रिच टू पावर. ठीक है, ये तब जो है एनालाइज किया जाता था कि जी जो ग्रोथ है वो रिच से पुअर की तरफ ट्रेवल करती है. फिर ग्रोथ इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, अभी 21st सेंचुरी में भी अगर हम देखें तो ग्रोथ तो इम्पॉर्टेंट है हमारे पर, लेकिन जो है अब हम जो ग्रोथ है वो ताबे हो गई है बहुत ज़्यादा चीज़ों के, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की, जस्टिस की. हम कहते हैं इकोनॉमी के अंदर अगर जस्टिस नहीं है तो ग्रो, अगर सिर्फ इंडिकेटर ग्रो कर जाएं लेकिन आपकी इकोनॉमी में अनजस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपकी जो है वो इकॉनमी नहीं है, तो वो उसको एक डिवेलप्ड इकॉनमी के कॉन्सेप्ट में वो नहीं आती. For growth, now it is necessary that market should be efficient and must determine demand and supply of scarce resources. ठीक है, अब ये जो है वो देखा जाता है कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी जो प्राइसेस सेट होती हैं डिफरेंट कॉमोडिटीज की, गुड्स और सर्विसेज की, वो सप्लाई और डिमांड के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा स्कैर्स हैं हमारे पास, लेकिन उनकी जो है मार्केट, एफिशिएंट मार्केट्स जो होती हैं वो खुद से प्राइसेस को डिटरमिन करती हैं और प्राइस सप्लाई और डिमांड को भी डिटरमिन करती हैं. जीरो और लेस इंटरवेंशन ऑफ स्टेट होनी चाहिए और प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, और मस्ट डिटरमिन वेयर टू इन्वेस्ट एंड व्हाट टू डिटरमिन. Since 1988, neoliberal जो पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस हुई और एंड इकॉनमी परफॉर्म लेस वेल एज कम्पेयर टू पास्ट. ठीक है, जब से न्यूलिबरलिज्म आई इकॉनमी के अंदर, ठीक है, तो क्या हुआ, यानी फ्री मार्केट जो कैपिटलिज्म अगर हम उसे कहें तो वो आया इकॉनमी के अंदर, तो उससे क्या हुआ कि हमने एक्सपीरियंस किया कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम हुई एज कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए इकॉनमी के अंदर, और पाकिस्तान जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास बहुत दफ़ा गया, और जो है उसकी कुछ जो है क्रिटिक्स या इकॉनमिस्ट जो हैं वो ये भी कहते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक से जब से हमने एड और उनसे हेल्प आउट लेना शुरू किया तो इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई है, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी आई है, पावर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है इकॉनमी के अंदर, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई है. पाकिस्तान पॉलिटिकल इकॉनमी एंड फेलियर ऑफ एलीट्स मेड इट डिपेंडेंट ऑन बाय एंड मल्टीलेटरल एड्स. यही अज्यूम किया जाता है कि जो एलीट्स और पॉलिटिशियंस हैं उनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन जबों हाली का शिकार होती जा रही है, और हम जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे बायो और मल्टीलैटरल ट्रेड्स जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह इनके ये. फिर दिस ओवरऑल बुक जो है वो एक आपके लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करेगी कि एक स्टोरी, इंटरप्रेटिव स्टोरी बताएगी कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर आई है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में उस सबको कि वो किस किस प्रोसेस से होके आई है, ठीक है, क्या क्या अप्स आए हैं इकॉनमी में, क्या क्या डाउन्स आए हैं, उनके पीछे क्या क्या सिनेरियोस थे, और क्या क्या उस टाइम पे कंडीशंस थी जिनकी वजह से जो ग्रोथ कम थी या ग्रोथ ज़्यादा थी, कौन कौन सी पॉलिसीज जो है अडॉप्ट की गई, तो वो सारा एक क्लियर पिक्चर जो है ये बुक एक शो करेगी हमें.